जिला पठानकोट के वन मंडल विभाग का चार्ज नवनियुक्त IFS अधिकारी धर्मवीर देडू ने संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने बताया कि वन विभाग की ज़मीनों पर जो भी अधिग्रहण किए गए हैं उसे विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक हटाया जाएगा। उन्होंने वन विभाग की ओर से चल रही योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। हाय एवरीवन, दिस इज़ धर्मवीर। मैं IFS 18 बैच हूँ और मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है एज ए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इन पठानकोट। तो मैं सारे पठानकोट के लोगों और पूरे पंजाब के लोगों ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो एक आज अपने एज ए ह्यूमन बींग जो रिक्वायरमेंट है अपने सर्वाइवल दे दी, सो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहता हूँ कि वद्दोवद्द बूटे लाए जाएँ और इसके रिगार्डिंग जो भी हेल्प है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाल जो आपको रिक्वायर्ड है और तुम चाहते हो तो वो असी देने लिए तैयार हाँ। इसके रिगार्डिंग मैं सारे लोगों को ये कहना चाहता हाँ, स्पेशली कहना चाहता हाँ कि जो इस साल गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की है शहीद आदम भगत सिंह जो हरियावल लहर मिशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 बूटे लाने हैं प्लस 115 त्रिवेणी लानी है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सारे बूटे फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करेगा। तो जिस जगह पे भी पंचायत लैंड हो, कोई इंस्टीट्यूशनल लैंड हो, या कोई NGO वाली हो, या कोई क्लब हो, ठीक है ना, तो जो लोग और जो भी ग्रुप्स हैं या इको क्लब कोई भी हो, तो जीते जीते वो बूटे लाना चाहते हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नाल कॉन्टैक्ट करें, असी उन्होंने बूटा सप्लाई करांगे और वद तो वद बूटे लावांगे इस सीजन दे विच और पंजाब नू फिर एक बार हरिया भरिया पंजाब बनावांगे। जिते भी एनक्रोचमेंट हुई हुई है साड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि एनक्रोचमेंट नू गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक जल्द तो जल्द सारे डिपार्टमेंट साथ लेके और जल्द तो जल्द उस एनक्रोचमेंट नू रिमूव किया जाएगा। ये साड़ी प्रायोरिटी रहेगी और असी इन्हों वो सीरियसली ना आगे पैरवी करेंगे। इसके रिगार्डिंग देखो, मैंने अभी नई ज्वाइनिंग की है और मैं इसके रिगार्डिंग पूरा देखांगा कि किस हिसाब से क्या 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 जो सिस्टम है और उसके रिगार्डिंग ऐसी उसके रिगार्डिंग जो भी कार्रवाई बनती है या जो भी आगे प्रोसीडिंग बनती है ऐसी करेंगे। देखो, इसके रिगार्डिंग हमारे पास ऑफिशियली अभी कोई गाइडलाइंस नहीं रिसीव हुई हैं और जो भी गाइडलाइंस रिसीव होंगी और जो भी डिपार्टमेंट के लेवल पे जो भी वर्किंग बनती है या डिपार्टमेंट के लेवल पे जो भी काम करना बनता है असी वो करांगी। डेंजरस ट्री हैं, यदि वो कितने नुकसान पा रहे हैं तो उन्होंने जो भी जिस तरीके से कई बार होता है कि डेंजरस ट्री है लेकिन उन्होंने पूरे बूटे नु रिमूव करने की बजाय इसकी ब्रांचें रिमूव कर देते हैं तो उससे भी कभी काम चल जाता है। तो असी देखांगे कि भी जो हमारे उस गाइडलाइंस में डिपार्टमेंट के लिए की काम आता है कि जो भी है डिपार्टमेंट लेवल पे क्या किस तरीके से असेसमेंट के रिगार्डिंग हो या फिर कुछ और हो। अब आपके शहर पठानकोट में खुल गया है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट क्रूज लाइन। नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला और एकमात्र क्रूज शिप इंडस्ट्री से जुड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 100% प्लेसमेंट, PCSTI इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड क्रूज मैनेजमेंट पठानकोट। नाउ गेट 20% डिस्काउंट ऑन कोर्सेज विद लिमिटेड सीट्स। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540060113।